नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान वालों के लिए। जी हाँ साथियों, राजस्थान के लोग गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बाकी और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो स्टूडेंट टाइप के हैं। एक वीडियो मैंने साथियों 8-10 दिन पहले डाला था, उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि आप अपने लोकल सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं, आपके सरपंच साहब जो भी हैं, उनके माध्यम से आप सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाएं अशोक गहलोत तक। जी हाँ साथियों, राजस्थान में अगर बात करें तो भाई कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है विदेश में फंसे हुए लोगों को कि केंद्र सरकार से दखल देके मांग करके कि हमारे बंदों को रिटर्न करें, वहाँ से लेके आप रिटर्न करें विदेशों में फंसे हुए उनको, और हम उनको क्वारंटाइन करेंगे, हम उनकी सुविधा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो सरकार पे जिम्मेदारी बनती है तो उनको रिटर्न आना चाहिए। लेकिन भाई मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप बताना कितने लोगों ने अपने लोकल विधायक MLA सांसद को लेटर या फिर कुछ किया, किसी ने किया? मुझे नहीं लगता किया। किसी बंदे ने मुझे कोई भी एविडेंस नहीं भेजा कि ये देखिए सर, हमने हमारे विधायक को, हमारे MLA साहब को या हमारे सरपंच को हमने हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर आप करवाए होते, मैंने ये बोला था 1 मिनट का वीडियो डाल के उनको बना के उनका नाम लेके वीडियो बनाना आपको और उसको डालना है, आपके जो भी लोकल आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी सरकार यहाँ पे मैटर नहीं रखती, आपका विधायक कौन है वो मैटर होता है, आपका सांसद कौन है वो मैटर रखता है। लेकिन मुझे किसी भी राजस्थानी बंदे ने या दूसरे स्टेट के शायद एक या दो बंदे ने भेजा है, बाकी किसी ने भी हिम्मत नहीं उठाई। कहने का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, आपको बैठे बैठे आपको कोई मेहनत नहीं करें, आपका चेहरा कोई नहीं देख पाए, आप सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते, घर आना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। एक तरफ आप चिल्लाते रहते हो कि हमें सरकार नहीं बुलाती, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बदले में आप करते क्या हो? आपने क्या किया ये बता सकते हैं आप? मेरा वीडियो मैंने डाला था, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर मुझे 100 लोग भी कमेंट करते, व्हाट्सअप करते कि सर हमने वीडियो डाला तो भी मुझे समझ में आती। मुझे एक दो बंदों को, राजस्थान का तो एक भी नहीं था, खास बात ये राजस्थान का एक नहीं था, एक दो कोई बिहार यूपी का बंदा था, उन्होंने बोला सर हमने बात करी, विधायक साहब ने फ़ोन काट दिया। लेकिन आपने, राजस्थान वालों ने भाई कोई गौर नहीं किया, फिर आप उम्मीद लगाए बैठे हो हमें फ्लाइट मिल जाए, हम घर आ जाएं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी। अभी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अभी राजस्थान की सरकार डावाडोल चल रही है, कांग्रेस सरकार आपको पता है, वो बोलती है कि BJP हमारे MLA को तोड़ रही है, MLA वाले बोलते हैं हमारे को तोड़ रहे हैं, मतलब ये घमासान की स्थिति है। और कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने सभी अपने MLA को जयपुर में होटल में कैद कर रखा है, आपको पता ही होगा, मैं स्क्रीनशॉट भी रखूंगा साथ में। राजस्थान के जितने भी MLA हैं सबको बुला के जयपुर में उनको एक तरह से क्वारंटाइन कर दिया है। जी हाँ साथियों, अपने अंडर में कि इनको कोई तोड़ न ले, इनको कोई खरीद न ले, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो आपके पास, यानी अगर एक तरह से देखा जाए इस कोरोना की महामारी में प्रत्येक विधायक को क्षेत्र में होना चाहिए, अपनी जनता की समस्या के समाधान के लिए उनकी प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन हर विधायक राजस्थान का जयपुर होटल में बैठा आराम से खाना खा रहा है, AC की हवा में मजे ले रहा है, लोग व्यायाम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये राजस्थान के विधायकों की आज की गणित है। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों में भी रोज ये न्यूज आ रही है। आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ भाई, आप राजस्थान के जितने भी वर्कर विदेशों में रहते हैं सबके सब विधायक एक ही जगह अशोक गहलोत के पास बैठे हैं, और आपके पास सुनहरा मौका है कि किसी भी तरह से उनके पास ये आप अपनी बात पहुंचाएं, और गहलोत साहब को बोलिए कि हमें पता है, आप अपने विधायकों को बोल सकते हैं कि हमें पता है कि आप गहलोत साहब की बगल में बैठे हो पीछे वाली कुर्सी पर, हमारी मांग उठाओ गहलोत साहब के सामने, और हमें इंडिया बुलाने की जरूरत, अभी जल्दी से जल्दी हमें इंडिया बुलाएं, हम फंसे पड़े हैं। आपके पास भाई बढ़िया ऑप्शन है, आपने आगे पीछे नहीं किया, वो आपकी मर्जी है। अभी भी मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, पूरे के पूरे राजस्थान के विधायक गहलोत साहब के पास बैठे हैं, समझ गए, और उन्हीं की सरकार है, अगर उनकी बात गहलोत साहब को सुननी पड़ेगी ये तय बात है, और अभी तो भाई 100% सुननी पड़ेगी। अभी तो वो मना रहे एक एक से बात करके, बोल भाई तेरे क्या दिक्कत है, बोल भाई तेरे विधायक साहब MLA साहब क्या दिक्कत है। अगर वो अपनी बात आपके लिए रखेंगे तो 100% गहलोत साहब मानेंगे, और वो केंद्र सरकार से मांग करेंगे, अपील करेंगे, तो आपका रास्ता जल्दी आने का हो सकता है भाई। फ्लाइटों के चक्कर में नहीं रहने, वो 850 चला दीर, वो वंदे मातरम 3, इसके चक्कर में तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। अब मैंने एक सजेशन और दिया है, अगर आप मानते हो तो आपकी मर्जी, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।